आज का दिन बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण दिन है हम सब के लिए. वो इसलिए क्योंकि हमारे देश के वीर सावरकर जी, जिनका पूरा नाम है, आप में से कोई मुझे बता सकता है? विनायक दामोदर सावरकर जी. मैं जानती हूं कि हम सब भारतवासी बहुत प्यार करते हैं अपनी धरती मां से. सच्चे दिल से हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी धरती मां हमेशा सुरक्षित रहे, खुश रहे. और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी मां पर कभी कोई आंच ना आए. हमारी मां जो हमें दूध पिलाकर बड़ा करती है, उसी प्रकार से हमारी धरती मां ने भी अपनी छाती चौड़ी करके हमें प्यार, सम्मान और इज्जत दी है, जगह दी है कि हम उसमें रहें, जिंदा रहें और खुश रहें. धरती मां हमेशा यही कहती है, खुश रहो मेरे लाल, जियो और जिंदगी का हर पल खुशी से जियो. वीर सावरकर जी ने भी हम सबको यही संदेश दिया है. क्या पता है जिंदगी का क्या भरोसा, लेकिन हां, जब तक जिएंगे, इस देश को चाहेंगे और इसके लिए मरेंगे. उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि परमात्मा ने उन्हें जिंदगी दी है वो खुद के लिए दी है. इस देश के लिए उन्होंने 10 साल किसे कहते हैं, वो जेल में निकाले, ऐसी कठोर यातनाएं झेलकर इस देश को आजादी दिलाई. हां, मेरे लिए ये शब्द आसान है कहना, कुछ क्षणों में मैं उनके बारे में कहकर शो शुरू कर दूंगी, लेकिन सच्चे दिल से कहती हूं कि ये शब्द काफी नहीं है मुझे बताने के लिए कि वो कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया इस देश के लिए. ये शब्द तो सिर्फ शब्द है. वीर सावरकर जी को हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से प्यार, सम्मान और आदर हमारी जिंदगी के आखिरी दिन तक. उन सारे जवानों के लिए जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, भारत कहा. 1857 की बात है जब हमारे देश ने संग्राम किया, सोचा कि हमें कुछ कर दिखाना है, हमें ब्रिटिश से दबकर नहीं रहना जो हमें सिर्फ गुलाम बनकर रखना चाहते हैं. पर कहते हैं ना, हमेशा जीत जरूरी नहीं, एक हार भी इंसान को हमेशा के लिए जीतने के लिए तैयार कर देती है. उस एक हार ने हमारे देशवासियों को ये एहसास दिला दिया कि अब वक्त आ गया है कि हम सबको कुछ कर दिखाना है. कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हम जुल्म सहेंगे, धोखे खाएंगे, मार सहेंगे, हमारे बीवी बच्चों को कोई कुछ भी कर जाए कुछ नहीं कहेंगे. वीर सावरकर जी ने वो पहला संग्राम शुरू किया, हर एक भारतीय से कहा, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, सुनो, इस देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें कुछ कर दिखाना है. अरे जान जाए तो जाए, हम मर के दिखाएंगे, इस देश को आजाद करके दिखाएंगे. और इन शब्दों से, उनकी सोच से, उनके दिल से, इस धरती मां के लिए जो उनका सम्मान है, उससे भारत के बूढ़े बड़े बच्चे तक सब एक हो गए. वीर सावरकर जी ये बात जानते थे, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता. ये हाथ देख रहे हैं आप मेरा, ये उंगली अकेली कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकती. यदि मुझे कुछ करना है, मुट्ठी बनानी और किसी को मारना है, तो ये सब साथ होंगे. तो इसमें जो ताकत है वो इस धरती को उलट पुलट भी कर सकती है. वीर सावरकर जी जानते थे, एकता ही शक्ति है, एकता ही जीत है और एकता ही सब कुछ है. उन्होंने ये किया और एकता कायम की. स्वतंत्रता संग्राम, सबसे पहला संग्राम भारत का उन्होंने शुरू किया, भारत एक हुआ. और क्या जीत और क्या हार, तब से इस भारत की काया पलट गई, आजादी मिलना शुरू हो गया. ब्रिटिश की जो कंपनी थी, बड़े बड़े गवर्नर्स, जनरल्स, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले जो लोग थे, सब डर गए, कांप गए, उनकी जड़ हिल गई. अब ये तो निश्चित था कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने इतने बड़े 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 लोगों को हिला दिया. निश्चित था कि उनके उनके खिलाफ कुछ होना होगा. उन्हें अंडमान लेकर आए.
सच कहूं तो अंडमान की जो इतिहास है, जो इसका इतिहास है, वो उनके बिना अधूरा है। यहां पर उन्हें सजा देने के लिए बुलाया गया। हमारे सारे भारतीय जितने भी स्वतंत्र वीर थे, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, सब कुछ छोड़कर अपनी बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन जो खून का रिश्ता था उन्हें भुलाकर वो यहाँ आए, वहां लड़े, कहां कहां गए, उनको यहां लाया गया ताकि उन्हें सजा दी जाए। ऐसी सजा जिसके बारे में यदि हम सुन ले या देख ले तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ मेरे मित्रों, उन्होंने ये सब झेला है इस देश के लिए, ताकि हम सब आज एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो खुश रहे, अपनी जिंदगी जिए, किसी की गुलामी ना करे, दिल से काम करे, अपने लिए, अपनों के लिए। वेल मेरे दोस्तों, ये सारा जोश जो मेरा था वो इस देश के लिए, धरती माँ के लिए है और हम सब के लिए है। और वीर सावरकर जी को मेरा सल्यूट। मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ, हम सब बहुत खुश नसीब है कि इस धरती पे वो महान महान देवता पैदा हुए। हाँ, समाज, आज हमारी दुनिया, हम जहां रहते हैं उसे समाज कहते हैं। हमारे साथ जो लोग बैठते हैं, उठते हैं, जिनसे हम पार्टियों में मिलते हैं, स्कूल में जिनके साथ पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, सोचते हैं कि हाँ मॉडर्निज्म, इंडियन कल्चर तो खैर आजकल क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, ये वो एंड ऑल दैट। बट हम भारतीयों से ज्यादा कौन जाने ये इंडियन कल्चर है क्या। ये इंडियन कल्चर वो है जो लोगों को जिंदगी देता है, अपने आदर्शों से जीना सिखाता है, अपने बड़ों का सम्मान करना सिखाता है, दई देवतियों को जो हमारे देवता है, जैसे श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, दुर्गा माँ, काली माँ, वैष्णो देवी माँ, सरस्वती माँ, गणेश जी, हनुमान जी, वो सब इस पुण्य धरती पर पैदा हुए हैं। अरे ये धरती तो खुद एक मंदिर है जिसमें हम सब हैं, जी रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और देती रहेगी, इसीलिए हम इस शुभ पर्व पर सबका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। जय हिंद कहकर इस शो को चांद देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। वीर सावरकर जी की याद में हम नेशनल एंथम गाएंगे, हम सब अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। जय जय भारती। अब हम लाइटिंग ऑफ लैंप करेंगे, दिए जलाएंगे। कहते हैं कि जिंदगी के अंधियारे को हमारे मन की रोशनी दूर दूर कर देती है। की तरफ से बहुत सारा प्यार और नमस्कार, नमन। श्री एस बी देवल साहब जी हम सबके बीच हैं, जो हमारे देश के डीजीपी हैं, हमारे ऐसे जवान जिन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया। आज इनकी वजह से हम सुरक्षित घूमते हैं, जहां जाए वहां चले जाते हैं, और मजाल कि कोई बुरा काम इनके होते हुए हमें छू जाए। हमें फक्र है कि ऐसे जवान इस देश में हैं, जो अपनी जिंदगी को पीछे छोड़कर हम सबके लिए हमारे साथ हर पल हर क्षण रहते हैं। हम बहुत ही धनी हैं कि हमें इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने प्यारे नेक दोस्त मिले।
वीर सावरकर जी के बारे में मैंने आपसे कहा था, वैसे ही जवान ये सब हैं, आज इनकी बदौलत हम खुश रहते हैं। कोई भी तकलीफ आए, कुछ भी हो जाए, पर ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा ये शुभकामना करेंगे कि ये जिंदगी में हमेशा खुशहाल रहे, खूब जिए और इस देश का ऐसे ही जैसे अब तक नाम किया है नाम करें। थैंक यू सर वेरी मच। सर के लिए जोरदार तालियां। सर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज हमारे पास स्टेज पे आइए और ये लैंप जलाइए ताकि हम सबका जो दिल का अंधेरा है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। थैंक यू सर, जोरदार तालियां सर के लिए। वेलकम सर। ये दीप जला रहे हैं हमारे सर एस बी देओल सर जी, और इस उम्मीद से दीपक जल रहा है कि ये शो चमके और ये दुनिया तमके। इनके साथ हैं लक्ष्मी राव जी जो कि इस शो की इवेंट मैनेजर हैं, इस शो की जान है और शान है, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। आप सर आपसे एक छोटी सी विनती है, आप हम सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज दो वाक्य बोल दीजिए, हमारे लिए बहुत होगा है ना। मैसेज तो मैं ये देना चाहता हूं कि फिर मनोरंजन शुरू करो। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अपॉन द स्टेज एंड लाइटिंग दिस वंडरफुल लैम्प फॉर अस। सर आपको सब थैंक यू कह रहे हैं दिल से। मैं हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके एक बार उनको सम्मान देना चाहूंगी, उनका आदर करते हुए उनके नाम लेना चाहूंगी। बालाजी ज्वेलर्स, शशि होम नीड, यार एंड टूर एंड ट्रेवल, टेक मैक, वीडियोकॉन, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवीएस मोटर्स, ड्रैगन सिक्योरिटी गार्ड, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल ड्रिफ्ट एंड वुड, मेनशिप, एचएफ शिपिंग, और हमारे सारे स्पॉन्सर्स जिनके बारे में मैं इसमें लिख नहीं पाई, लेकिन दिल से उन सबको थैंक यू सो मच, और जिनके बिना ये शो पॉसिबल नहीं था उन सबके लिए एक बार तालियां। अब बस बस बस, मैंने बहुत पका दिया आप सबको, बहुत परेशान कर लिया बोल बोल के। अब मेन टाइम शुरू होता है शो का जिसमें हम झूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, आई एम श्योर आप अपनी सीटों से उठ के भी डांस कर लेंगे, ट्रस्ट मी। थोड़ी सी देर बस, अब इतना मजा लोगे आप लोग तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको थोड़ा सा पकाऊं, थोड़ा सा बोर करूं। क्यों करूं ना, ठीक है ठीक है। तो हमारा सबसे पहला डांस आने वाला है जो कि है इंडियन डांस। मैंने बहुत कहा था हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में, ये डांस आपको दिखा देगा कि जय श्री राम का मतलब क्या होता है और हनुमान का मतलब क्या होता है। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखोर सुधारि, बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक पल चारि, बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। I'm
हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर दूत अतुलित बल धामा रंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर रंजन भरण विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय करसुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन करसुवन केसरी नंदन